24 अगस्त 2020। देखिए भाटिया साहब, आपने कहा मंगलवार शनिवार को, आप निश्चिंत रहें, हम करते रहेंगे। और अभी वही निकल रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि भाई बेटी का जोड़ा दिखाओ, जो 3.5 साल की उम्र इतनी बड़ी रही छोटी सी, तब से और अभी तक दो बच्चे की माँ बन चुकी है, तब से आज तक लावारिस कुत्ते, कीड़े पड़े, घाव सड़े, लावारिस जिसको देख के बदबू आती है, उसको अंजलि ने घर में बंद किया। अभी 2-3 महीने पहले आपने देखा होगा कितनी मेहनत से वो सुबह से जुटती है और घास काटा है ताकि अंदर को सफाई भी हो जाए, समझ गए। पूरे जो भाटिया साहब ने कहा ना, उनने कहा भैया आप सामने आओ, हैं आप कौन, कभी आप अशोक विहार बताते हैं, कभी कनॉट प्लेस बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, हैं कौन आप, या कि हनुमान जी के रूप में कोई आए हैं हमारी मदद को, यानी आपकी सदा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने भी कई बार कहा हो, हमारे दामाद नाती के सामने कहा कि नहीं बाबा जी, आपकी सारी आपका देखा जोखा जो भी है वो आपके लाइब्रेरी आप बनवाइए, सब कुछ कीजिए, और हम जब आएंगे पटरी पर, हमारी गाड़ी आएगी तो हम सब कुछ आपकी मदद करेंगे, सब लाइब्रेरी आपकी बनवा देंगे, सब करेंगे हम। ये उनकी भावना है, भावना बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि बाबा जी आप मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर हो, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी तब भगवान की सेवा में लगा दिया है। आप हनुमान जी से लड़ सकते हो, लेकिन मुकेश अंबानी हनुमान जी से नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है, वो पैसा भले उसके पास, एक उत्साह बढ़ाने वाली बात उन्होंने कही है भाटिया साहब ने। उन्होंने कहा हमको साहब नहीं कही, हमने कहा आप मैनेजर साहब कहा जाता है, अब हमारे बड़े अच्छे सलाहकार हो, और इतनी स्पष्ट बात आज तक किसी ने नहीं कही। और आपने कहा कि 15 मिनट के लिए आप चाहे 4 बार आओ, हमने कहा बिल्कुल उसका हम पालन करेंगे, और 15 मिनट, हाँ 15 मिनट ज़्यादा नहीं हो, बस अपनी बात कहेंगे, एक संदेशा देंगे लोगों को कि लोग जागरूक होइए, सही काम कीजिए, गैर पार्टी वाले जो पार्टी वाले हैं उनसे भी हम यही उनको सलाह देंगे। देखो हमारी गाड़ी की आदत, शक्ल देख रहे हो, गाड़ी की शक्ल देखो, ये देखो जो भाटिया साहब ने कहते हैं कि जो आपके ऊपर कमेंट बोलते हैं वो एक दिन की केवल ज़िंदगी जी के दिखाएं, एक दिन की, हमने कहा भाटिया साहब आपने करोड़ों की बात कही है, एक दिन की ज़िंदगी जी के देखो, जब से नई गाड़ी आई है, जब से देख लीजिए आप शीशे की आदत, देखिए आप सब टेढ़ा मेढ़ा बंदर मोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, गंदा कर, अब समय नहीं, हम कहाँ कहाँ मरें, अब 1 घंटा 1.5 घंटा हमको लगेगा भोज करने में। तो ठीक है भाटिया साहब, आपको हनुमान जी ने भेजा है, और आपके नाम से हम जरूर करते रहेंगे, शनि और मंगलवार को, तो हर हालत में मैं चाहूँगा कि एक बार आप आइए भंवरेश्वर में, जब मैं बंदरों से ढक जाता हूँ, एक हमारा अपना गोपनीय है मंत्र है, उसके जाप करके मैं जिसके लिए भी करता हूँ वो कोई ना कोई चमत्कार देखता है, कोई ना कोई चमत्कार देखेगा, तो अब वो चमत्कार नहीं बाबा दिखाएगा कि धन ले आओ दुगना हो जाए, हैं बहू को ले आओ तो जो बच्चा बाबा पैदा कर ले, ये बच्चा पैदा करने वाला बाबा नहीं है, कर्मयोगी बाबा है। देखो ये बाबा की दरवाजे की हालत, कहीं हम करते हैं हमारी बेटी करती है, सब हमें दो लोग करते हैं, आदमी की हालत आप देख रहे हैं, ससुरा आदमी जो है वो कोई काम करने को तैयार नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ, आपको हमने सामान दिखा दिया, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, हम सबके नाम से भी शनि मंगल में तो कर ही देंगे, लेकिन भाटिया साहब हमारे लिए पहले नंबर पर होंगे, इतना उचित सलाह किसी ने नहीं दिया, और इतना बड़ा वो सम्मान आदमी देता है, कहें बाबा जी अगर मैं मिलूँगा कमर में तो मेरे तकलीफ है रहती है, लेकिन हम दंडवत प्रणाम करने के लिए मैं कोई कहूँगा कि आप कोई कुर्सी या कोई अच्छा डलवा दो ताकि उसी साइड में हम कुछ कर सकें। हमने कहा देखिए आपका बड़प्पन है, ऐसा कुछ नहीं है, अरे हनुमान जी के हम घरेलू नौकर हैं, बस ये मान लो हम किसी के बारे में अगर रो के कह देते हैं तो कुछ हो जाता है, लेकिन मेरा अंधा समाज है वो हमको नहीं समझ पाएगा। लाखों रुपए का मिर्ची फूका गया, 3-3 बाबा लोग जुटे और यहीं रायबली में बैठे बैठे मैंने प्रज्ञा ठाकुर को, प्रज्ञा साध्वी को मैंने जवान दिया, भुवनेश्वर मंदिर में मैं रो भी पड़ा प्रार्थना करके, और भगवान ने हमारी, भोले बाबा ने हमारी सुन लिया, प्रज्ञा ठाकुर विजयी हुई, लेकिन आज तक उसने फ़ोन नहीं किया
ये बीजेपी वालों से हमारी सख्त शिकायत है कि चाहे तुम जितना अच्छा कर लो लेकिन अहंकार रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अहंकार भूल के मत रखो। मोदी योगी से आप लोग सीखे ना, जिस उन्होंने तो बहुत कुछ करके दिखा दिया। तो अब मोदी के पार्टी के हो, अब मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ करें, मोदी जी करें, योगी जी करें। आप लोग मैदान में निकल के आओ, कोई नेता आया हमारा मनोबल बढ़ाया कि नहीं नहीं बाबा जी आपने बहुत काम किया है, मोदी जी के लिए भी आपने पूरी ताकत लगाई है, प्रज्ञा साध्वी के लिए आपने बड़ा काम किया है, वो है हम लोग उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अरे उनके लिए जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय नहीं, वो अरे सॉरी सॉरी वो हैं जो कौन है चौहान साहब हैं, कौन है शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए कितना बड़ा काम किया। लेट के जनवरी का महीना था, सब बंदर ने हमको ढक लिया और कितना सीडी भेज सब गया, एक धन्यवाद का कोई शब्द नहीं आया। तो याद रखो कि तुम बम से बड़े नहीं हो, भगवान से बड़े कोई नहीं हो, समझ गए। एक ही में कल भुवन सिंह ने कहा कि अगर अमेरिका का हाथ भारत पर ना होता तो अब तक चाइना में और भारत में वार होता और दोनों मर गए होते, तबाह हो जाते, मर गए होते तब। ये तो फिर भी उसकी सरफत अमेरिका की कहो, और उनके जगह कोई दूसरा होता तो चाहता कि दूसरे आपस में लड़ो कटो मरो भिखारी बन जाओ हम आके कब्जा कर लें, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।